ओपन सोर्स ई बिजनेस प्लेटफॉर्म्स क्यों चाहिए पहले ये समझ लेते हैं अब ये वो टाइम है जब हमने अब एक्चुअल अपना ऑनलाइन स्टोर खुद से क्रिएट करना है ऑब्वियसली हम लोग आ, हम लोग कोडिंग नहीं करना चाह रहे यानी हम वी डोंट वांट टू गो टू हार्ड कोर कोडिंग हम क्लिक एंड ड्रैग से ही कुछ कॉन्फ्रिगेशन करने के बाद हम एक, एक, एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर खुद से क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वू कॉमर्स है शॉपीफाई एक बड़ा मशहूर ओपन सोर्स है अच्छा ओपन सोर्स से मुराद बेसिकली आसान लफ्ज़ों में यानी विदाउट गोइंग इन टू द टेक्निकल एंड लीगल डिटेल्स खास तौर पर हमारे यानी मेरे और आपके लिए ओपन सोर्स ई बिजनेस सोल्यूशन इसलिए मोटिवेटिंग है कि उसकी बेसिक चीज़ें फ्री हैं यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल मेजेंटो वू कॉमर्स शॉप ये हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं लेकिन इनको मैं अगर मैं अपनी ऑनलाइन शॉप ओपन करना चाह रहा हूं तो इसका बेसिक वर्जन ना मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मतलब ये कि कुछ चीज़ें फ्री हैं और जैसे जैसे ही मैं एडिशनल फीचर्स यूज करना शुरू कर दूँगा तो आई विल दे विल बी चार्जिंग में तो जो फ्री वर्जन है फॉर एग्जाम्पल मेजेंटो में उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी वर्जन और जो पेड वर्जन है उसके लिए आपको फिर लाइसेंस या इनका जो मंथली कॉस्ट है या ईयरली कॉस्ट प्लान है वो आपको कोई ना कोई परचेस करना पड़ता है सो द मोटिवेशन हेयर इज कि हम लोग खुद से आ, अपने पीसी के ऊपर जैसे हमने अभी जैम्प कॉन्फिगर किया था हम मेजेंटो को कॉन्फिगर करके देख लें और फिर शॉप को हम हम लोग कॉन्फिगर करके देखें लेकिन Uh, जब हम ये कहेंगे कि जी हमने ई बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज़ कर लिया है तो इसका बेसिकली मतलब ये होगा कि हमने अपनी जो ऑनलाइन शॉप है वो कॉन्फिगर कर ली है जब कॉन्फिगर से uh, हो जाएगी उससे मुराद ये कि प्रोडक्ट सेल परचेज कस्टमर इन्वेंटरी पेमेंट की चीज़ें हमने खुद से क्रिएट कर ली हैं अपने स्टोर के लिए विदाउट स्पेंडिंग सेंट यानी बेसिक वर्जन हमने कॉन्फिगर कर लिया। है लेकिन अभी आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ बिगर पिक्चर के uh, इस कोर्स में हम लोग uh, जो एक्चुअल इंप्लीमेंट करेंगे दैट वुड बी मेजेंटो एंड प्लेस्ट्रा शॉप बट दुनिया में और बहुत ज्यादा चीज़ें मौजूद हैं लेकिन हम दो ही क्यों करेंगे रीजन के जो बेसिक वर्जन होता है उनको उसको बेसिकली uh, कॉन्फिगर करने का तरीका मोर और लेस सेम ही होता है आपको मल्टीपल जगह आपको मल्टीपल जगह क्लिक्स करने हैं और कुछ स्क्रीन्स जाके आपने आपने कॉन्फिगर करनी है तो इसलिए जस्ट टू नॉट टू हैव टू मच मनाटनी के एक ही तरह की चीज़ बार बार करें तो आई जस्ट फील के दो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट आप यूँ कह लें अगर कॉन्फिगर कर लें दैट वुड बी गुड टू गो फॉर यू गाइज टू सेटअप योर ऑन स्टोर लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये दो ही मौजूद नहीं है और, uh, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन है शॉपिफाई की भी है वू कॉमर्स की भी है लेट मी जस्ट गिव यू एन अ ब्रीफ ओवरव्यू के हमारे पास मार्केट में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं सो लेट्स जस्ट विजिट अ पर्टिकुलर वेबसाइट सो नाउ स्टूडेंट्स इफ आई गो टू दिस वेबसाइट तो यहाँ पे ए बिजनेस के जो सोल्यूशन हैं ओपन सोर्स उनकी ऑप्शन आ रही है सबसे पहले आपको मेजेंटो नजर आ रहा है मेजेंटो एक शॉपिंग कार्ट है जो कि ओपन सोर्स है बेसिक कम्युनिटी वर्जन इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इसके बाद यू कैन सी एक हमारे पास ओपन कार्ट है जस्ट टू सी फॉर मेजेंटो आप ये देखें कि वाइल मेजेंटो ओपन सोर्स इज फ्री यू विल नीड टू परचेज द पेमेंट प्रोसेसर यानी आपने पेमेंट जब इंटीग्रेट करनी है डोमेन नेम जो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि डोमेन नेम कैसे परचेज करना है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स एस एस एल आपको चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी टू कीप योर ऑनलाइन स्टोर सेफ सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के सोल्यूशंस बेसिक फ्री वर्जन होता है लेकिन दे विल चार्ज यू ऑब्वियसली इन्होंने भी अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है नेक्स्ट इज ओपन कार्ट ये भी एक बहुत मशहूर ओपन सोर्स है इसका त, ये भी लैम्प में यानी माईस क्यूल अपाची पी एच पी में यूज़ हो रहा है देन इज़ ओ एस कामर्स ये भी एक और अच्छा ओपन uh, सोर्स है देन वी हैव प्रेस्टा शॉप जो हम इस कोर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे देन वी हैव स्प्री कॉमर्स एंड वू कॉमर्स वो uh, कॉमर्स अगर मैं आपको यूं बताऊं कि ये बेसिकली ओपन सोर्स प्लग इन है वर्ल्ड प्रेस का अब वर्ल्ड प्रेस वही है जो हमने एमेजोन को जब हमने एक्सप्लोर किया था तो हमने वर्ल्ड प्रेस को कॉन्फिगर किया था तो ये बेसिकली आप कह लें वो कॉमर्स वर्ल्ड प्रेस का प्लग इन है एज यू कैन रीड हेयर ऑल्सो तो ये ओपन सोर्स वर्ल्ड प्रेस का शॉपिंग कार्ड का प्लग इन है मतलब कि अगर मैंने वर्ल्ड प्रेस कॉन्फिगर कर लिया है जो कि हमने किया था और उस वर्ल्ड प्रेस के अंदर ही हमने अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी एनेबल करनी है तो वर्डप्रेस वालों ने ही एक हमें प्लग दे दी है वू कॉमर्स के नाम से कि हम पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं इफ़ आई जस्ट मैंने अभी 2018 का अभी रिसेंट देखा आपके सामने तो मोबाइल में जो ई कॉमर्स सोल्यूशन है वो शॉपिफाई हमें दिखा रहा है एट द टॉप ऑफ लिस्ट करंटली तो शॉपिफाई बेसिकली एक कैनेडियन बेस्ड ई कॉमर्स सोल्यूशन है और ये भी लैस लाइक मेजेंटो प्रेस्टा शॉप वो कॉमर्स ये भी ऑनलाइन स्टोर हमें बनाने में मदद करता है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं अब आप ये देखें ये हमें ये कह रहा है कि बेस ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर बजट यू कैन चूज़ फ्राम शॉपिफाई पैकेजेस दैट रेंजेस फ्राम ट्वेंटी नाइन टू टू हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन डॉलर्स तो एंड द सेकेंड इज़ मेजेंटो सो मेजेंटो बेसिकली हम इसे भी डिस्कस करेंगे ये फ्री भी है और यू कैन सी देर आर अ लॉट ऑफ शॉपिंग कार्टस तो ऑबियसली हम हर एक को नहीं डिस्कस कर सकते तो वी विल डिस्कस टू द पॉइंट इसके सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि खाली प्रेस्टा शॉप और मजेंटो ही दुनिया में मौजूद नहीं है दे आर अ लॉट ऑफ अदर्स लाइक वू कॉमर्स शॉपिफाई ई कॉमर्स सोल्यूशन ऑन साइबर स्पेस जिसको आप यूज़ करते हुए अपना ऑनलाइन स्टोर कॉन्फिगर कर सकते हैं